नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 2025 तक देश के 25 हवाई अड्डों का नवीनीकरण होगा। विमानन क्षेत्र को फायदे का सौदा बनाने के लिए सरकार ने मोनेटाइजेशन प्लान तैयार किया है। इसके तहत आने वाले 3 साल में 25 हवाई अड्डों का मुद्रीकरण होगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने इस योजना की जानकारी साझा की है। हवाई अड्डों का चयन वार्षिक यातायात के रुझान को देखते हुए किया गया है। 4 लाख से ज्यादा यात्रियों के वार्षिक यातायात वाले हवाई अड्डों को चुना गया है निजीकरण के लिए। वित्त वर्ष 2022-23 में कालीकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पटना, मदुरई, सूरत, रांची और जोधपुर हवाई अड्डे का निजीकरण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में चेन्नई, विजयवाड़ा, तिरुपति, वडोदरा, भोपाल और हुबली हवाई अड्डे का मुद्रीकरण किया जाएगा। वहीं 2025 तक इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजामुंद्री एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सूची में पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप का नाम भी शामिल है। कुंवर विजय प्रताप अमृतसर नॉर्थ से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व डीसीपी पलकार सिंह को भी आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। पंजाबी गायिका अनमोल गगन मान को भी टिकट दिया गया है। सूची में दलजीत ग्रेवाल भोला, मदन लाल बग्गा, मनविंदर ग्यासपुरा और कुलवंत सिद्धू का नाम भी शामिल है। इससे पहले आम आदमी पार्टी अपने 10 मौजूदा विधायकों को उम्मीदवार घोषित कर चुके, यानी कि उनको रिपीट कर चुकी है। खरड़ से मौजूदा विधायक कंवर संधु की जगह अनमोल गगनमान को टिकट दिया गया है। वहीं 40 साल से अटकी सरयू नहर परियोजना अब पूरी हुई। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद दशकों से अटकी परियोजना शुरू हो जाएगी। सरयू नहर परियोजना की लागत है 9800 करोड़, जिनमें से 4600 करोड़ रुपए से ज्यादा बीते 4 सालों के अंदर खर्च हुए हैं, यानी कि 50% से ज्यादा खर्च बीते 4 साल में हुआ। यह परियोजना घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदियों को जोड़ने का काम करती है। परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित होगी। 6200 गांव के 29 लाख किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। और दिल्ली बॉर्डर से किसानों की रवानगी शुरू हो चुकी है। किसानों की सिंघू और टीकरी बॉर्डर से आज से रवानगी शुरू हो चुकी है। 1 साल 15 दिन तक चला किसानों का आंदोलन आखिरकार समझौते के बाद खत्म हो गया है। 24 घंटे में 10 से ज्यादा ट्रैक्टर दोनों ही बॉर्डर से घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। बचे हुए किसान अपने ट्रैक्टर्स में बाकी सामान को लोड कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर आज काफी बड़ा एरिया खाली हो चुका है, लेकिन हाईवे को पूरी तरह चालू करने में समय लग सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की थी और उसी के साथ जहां जहां किसान आंदोलन चल रहा था वहां वहां से किसानों की घर वापसी का काम शुरू हो गया। मकरंद देवसर होंगे भोपाल पुलिस कमिश्नर। इंदौर में हरि नारायणाचार्य मिश्रा होंगे पुलिस कमिश्नर। दरअसल मकरंद देवसर 1997 बैच के आईपीएस अफसर हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री के ओएसडी के तौर पर ट्रांसफर हुआ था। वहीं हरि नारायण चारी मिश्रा 2003 बैच के आईपीएस अफसर हैं। मिश्रा इस समय इंदौर आईजी की भूमिका निभा रहे हैं। मिश्रा ने इससे पहले ग्वालियर, जबलपुर, बालाघाट, खंडवा में एसपी की भूमिका निभाई। साथ ही इंदौर एएसपी, महू एसजीओपी और राज्यपाल के एडीसी की भी जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं जो बताएगा कि किस तरीके से करप्शन नीचे तक फैला हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में 40% लोगों ने रिश्वत दी है। लोकल सर्कल्स के हाल ही में किए गए एक सर्वे में इसका खुलासा हुआ है।
सर्वे में 5 में से 2 लोगों ने परिजनों के लिए रिश्वत दी है। आप सोचिए रिश्वत किस लिए दी है? अस्पताल में प्रवेश पाने के लिए रिश्वत दी गई है, अस्पताल में बेड पाने के लिए रिश्वत दी गई है, वेंटिलेटर और यहां तक कि दवा का लाभ उठाने के लिए भी रिश्वत दी गई। लोकल सर्कल ने भारत के 317 जिलों के अंदर सर्वे किया। सर्वे में 16,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सर्वे में किसी ने भी डॉक्टर्स या नर्सों पर रिश्वत देने की बात नहीं स्वीकारी। मरीज की सुविधा के लिए अस्पताल प्रशासन और अन्य कर्मचारियों को रिश्वत दी गई। 82% लोगों ने अस्पताल में प्रवेश, बेड, वेंटिलेटर या दवाएं लेने के लिए रिश्वत दी। 9% लोगों ने बिल की राशि कम करने के लिए और 9% लोगों ने आईसीयू में जानकारी या किसी से मिलने के लिए पैसे दिए। यानी कि जिस वक्त पूरे देश में आपदा थी, चंद घूसखोरों ने उसे अवसर में तब्दील कर दिया। प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए जब स्कूल बंद कर दिए गए। 7 दिसंबर को गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, उस दिन गोरखपुर के 3 ब्लॉक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। 8 बसों में 80 सहायक शिक्षकों को सभा स्थल ले जाया गया। विपक्ष इसे बता रहा मोदी की सभा में भीड़ जुटाने का तरीका। मोदी की सभा में भीड़ दिखाने के लिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जहां जहां चुनाव होंगे वहां इस तरीके के प्रयास और भी नजर आएंगे। कहीं लगेगा, आरोप लगेगा कि पैसे लेकर भीड़ को बुलाया गया, तो कहीं खाने के बदले में भीड़ जुटती नजर आएगी। सवाल यह है कि तेलंगाना में किस पार्टी के लिए काम करेंगे प्रशांत किशोर। कुछ महीने पहले वाईएस शर्मिला ने नई पार्टी बनाई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी है शर्मिला। पिछले दिनों शर्मिला ने एक टीवी चैनल पर कहा था, प्रशांत किशोर की इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी हमारे साथ। दूसरी तरफ तेलंगाना राष्ट्र समिति की भी बातचीत चल रही है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का आधिकारिक बयान है, तेलंगाना में आईपीएसी का कोई क्लाइंट नहीं। तेलंगाना में 2023 में होंगे विधानसभा चुनाव और तेलंगाना में प्रशांत किशोर किसका साथ देंगे, ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं। और अब बात करते हैं द वीक की कवर स्टोरी, डॉक्टर बलराम भार्गव मैन ऑफ द ईयर। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर भार्गव, कोरोना-19 महामारी के दौरान निभाई कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं। क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ ही मीडिया हैंडलर की भी भार्गव ने भूमिका निभाई। इसके अलावा महामारी के दौरान चिकित्सक की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। 2021 में द वीक ने डॉक्टर भार्गव को घोषित किया मैन ऑफ द ईयर। तभी की कवर स्टोरी, डॉक्टर बलराम भार्गव को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट उन्होंने किया, जिस तरीके से मीडिया हैंडल उन्होंने किया, इसके अलावा महामारी के दौरान चिकित्सा सेवाएं भी उन्होंने दी, यही वजह है कि 2021 में द वीक की कवर स्टोरी रही डॉक्टर बलराम भार्गव मैन ऑफ द ईयर। तो जिस तरीके से डॉक्टर भार्गव ने भूमिका निभाई उसके बाद उन्हें मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय बियॉन्ड बैरिकेड्स, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया आंदोलन वापस लेने की घोषणा, किसान जीते लेकिन सरकार को इसे नहीं मानना चाहिए पराजय। इस आंदोलन से सरकार को सबक सीखने की जरूरत है, कृषि सुधारों की जरूरत, लेकिन उससे पहले होनी चाहिए बातचीत। किसानों के साथ टकराव के रास्ते पर कृषि सुधार असंभव सा लगता है। असंवैधानिक लोकतंत्र में विचार विमर्श और सहमति बेहद जरूरी है, और इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में लोक प्रमुख है यानी कि जनता प्रमुख है। संवैधानिक लोकतंत्र के मुताबिक विचार विमर्श होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए और उसके बाद कोई फैसला लोकतंत्र में लोक यानी जनता के लिए किया जा सकता है।